इस एरिया में फैमिली की फोटो रखें तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। आपको किसी चीज में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसका कुछ टूल होगा, उसका कुछ सिंबल होगा, उसके कुछ टूल्स होंगे, तो आप यहाँ रखेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। तो एरिया फैमिली को जोड़ने का है। फिर इससे अगला एरिया है एजुकेशन और सेविंग का एरिया, कुछ इस रूम में आ रहा है। अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, इस कमरे में टेबल डाल के पढ़ सकते हैं, लेकिन टेबल हरे कलर की या लाल कलर की ना हो, वाइट कलर की या सिल्वर कलर की टेबल यहाँ रखेंगे तो आप अपने एजुकेशन और ग्रेड में बहुत ऊंचाई पर देखेंगे। ऐसी इसमें भी गेट आ रहा है, तो हम गेट का क्या करेंगे, अगर गेट में दो दिशाएं आ रही हैं, हम इसका और इसका एक सेंटर लेते हैं, इस सेंटर को हम इस सेंटर से मिलाते हैं, तो हम देखेंगे इस गेट में दो गेट आ रहे हैं, SW के अंदर दो एंट्रेंस हैं, WSW में दो हैं, W में दो हैं, दो दो एंट्रेंस हर दिशा में होती हैं, तो ये जो एंट्रेंस आ रही है W1, ये W2 है, ये W3 है, तो W2 बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, W3 बहुत लाभदायक है। तो हम क्या करेंगे, इस एंट्रेंस को आधी एंट्रेंस हम ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक का वही तरीका है, या तो आप पीला पेंट कर दें, या आप आधी हिस्से में, आधा ठीक है, आधे में हम कुछ नहीं करना, आधे में हम पीला पेंट कर देते हैं, या एक पीतल की पत्ती डाल देते हैं, कट करवा के मशीन से कट करें और एक पीतल की पत्ती इसमें डाल दें, तो इसका बैड इफेक्ट जो था वो आपका खत्म हो गया। W3 का एंट्रेंस का इफेक्ट आपको लाभदायक है, वो आपको मिल रहा है। हमेशा आप चेक करेंगे जो भी कोने, ये चार दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसमें 4 और 5 की एंट्रेंस आती है, क्लॉकवाइज चलते हैं, N4 N5, E4 E5, S4 S5, W4 W5, क्लॉकवाइज हम काम करते हैं हमेशा। एंट्रेंस के बारे में भी आपको रिव्यू मिलेगा। फिर इससे अगला एरिया आता है वेस्ट, प्रॉफिट एंड गेन्स, बहुत अच्छा रूम है, पैसा बनाने का एरिया इसका काम, देने का इसका काम, और जो आपको मिलेगा वो ये बताने का इसका काम है, बहुत मज़े का एरिया है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा हिस्सा इसका बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा नीला कलर ऐड कर लेंगे। नीला कलर कौन सा है, इससे पहले वाली दिशा, हम अगर पहले वाली दिशा हम उठा के इधर ले आएंगे तो ये हिस्सा थोड़ा सा सुकड़ जाएगा, कम हो जाएगा, एग्ज्यूट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नीला कलर, चाहे पेंट के द्वारा, कोई सामान रख लें, कर्टेन रख लें, जो भी आप सूटेबल समझें अपने इंटीरियर के हिसाब से, इस दिशा में थोड़ा सा नीला कलर यूज़ कर लेंगे तो ये एरिया थोड़ा सा एग्ज्यूट हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमें कम करना है। यहाँ जो सोएगा उसे हमेशा लाभ मिलता रहेगा। एक लाभ हो रहा है इसके अंदर, इसमें नल है, अच्छा है, पूरा वेस्ट में आ रहा है, लाभ देने वाला एरिया है। इससे अगला एरिया है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन का एरिया, लो मूड का एरिया। हम कोशिश करेंगे इसमें कोई ना सोए, ये रूम हमारे लिए स्टोर का काम करेगा, तो हम इस रूम को कोशिश करेंगे कि स्टोर में कन्वर्ट कर दिया जाए, बेडरूम ना बनाया जाए किसी भी तरीके से, तो हम इसे स्टोर लिख देते हैं।
इससे अगला एरिया है नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का एरिया। बैंक सपोर्ट, फाइनेंस सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट होगी, जो भी यहाँ सोएगा सिर इससे बचे, सिर इस साइड रखो, इस साइड रखो, इस साइड रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, जिस साइड नींद आए उस साइड रखो। ईस्ट और साउथ में सिर अच्छा होता है, तो हमें इससे बचाना है। तो ये रूम बहुत अच्छा है, हरा कलर यहाँ से बचा के रखें, हरा कलर इसमें ना आए तो अच्छा है, हरा कलर नहीं होना चाहिए। फिर इससे अगला एरिया है सेक्शन एट्रैक्शन का एरिया, आधा रूम ये भी आ रहा है। छोटे बच्चों को ना दिया जाए ज़्यादा अच्छा है ये रूम, 12 साल से बड़े बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो हम यही रिकमेंड करेंगे। तो हम इस पूरे घर को हमने देखा, सारा एनालिसिस किया, सब कुछ अच्छा निकला, जो जो एंटी एक्टिविटी थी हमने उसे दूर करी। तो अब हम समझते हैं इस घर में रहने वालों को जीवन अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर एक और चीज़ आ रही है, वो है जीना। जीना स्टेट है बिल्कुल। साउथ टू नॉर्थ, अगर आपको ये चढ़ कहाँ से रहा है, हम इस पे ध्यान देते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट से चढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। हमें ये एरिया दबाना है क्योंकि एरिया बढ़ भी रहा है। अगर हम इसे, जो हमने यहाँ जीना चढ़ाया, जहाँ से जीना शुरू होता है हम उसे ग्रीड करते हैं, और जहाँ ख़त्म होता है हम उसको भी ग्रीड करते हैं। तो ऊपर वाले के लिए अगर देखा जाए तो जीना यहाँ के रुका, तो एंट्रेंस आ गई N5, N6, N7। तो N6, N7 की एंट्रेंस इसमें आएगी, जो अच्छी नहीं है ऊपर वालों के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऊपर सबसे ऊपर या तो सिल्वर एलुमिनियम की पत्ती डाल देंगे खड़ी, या हम नीला पेंट कर देंगे इस पे, या हम एलुमिनियम की पत्ती डालेंगे, या हम इस पे नीला पेंट करेंगे यहाँ पे जाके, तो इसके बैड इफ़ेक्ट्स हमारे से दूर हो जाएंगे। सिंपल तरीका है। अब हम इस घर में रहने वालों को कह सकते हैं, अब आपको इसमें मनचाहे गेंस मिलेंगे। मनचाहे गेंस के लिए हमने सारा काम किया है, और उम्मीद है अब करण जी को मनचाहे लाभ मिलेंगे, और करण जी को हमारी शुभकामनाएं हैं इसी के साथ। और आगे देखते हैं हम नए नक्शे के साथ। धन्यवाद।